नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादू। देश के अंतिम छोर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जिला की लोकसभा क्षेत्र में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में होने जा रही है। अब सुबह के 10 बजे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं। यहाँ के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में बड़ी जनसभा आयोजित करने वाले हैं। भाजपा ने चुनावी कमर कस ली है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कई भाजपा के सांसद राज्यसभा सांसद पूरा संगठन बाड़मेर में कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जुनून भरने के लिए यहाँ बाड़मेर में लोकसभा क्षेत्र बालोतरा जिला के चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। अभी तक भाजपा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के आज पश्चिमी छोर में आ रहे हैं। यहाँ जो तैयारियां हैं, पिछले 3 दिनों से उनका कार्यक्रम तैयार हुआ। कार्यक्रम के बाद में सीमावर्ती इलाका होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने डेरा डाला हुआ है 3 दिनों से, लेकिन यहाँ सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। पुलिस की जो व्यवस्था है चाक चौमद है, पूरे शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं सुरक्षा की व्यवस्था संभालने वाली एसपीजी के कमांडो मंच सजा हुआ है उनके चारों ओर है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या के अंदर देश के मीडिया की नजरें भी नरेंद्र मोदी जी की सभा पर है। जहां भाजपा के अंदर जोश है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी आज की इस मोदी जी की सभा पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि विपक्ष भी ये चाहता है कि मोदी जी आज देश के पश्चिमी छोर पर क्या बोलने वाले हैं, क्या रणनीति है, साथ ही वो कौन बड़े चेहरे हैं जो आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं। कई बड़े नेताओं की घर वापसी हो सकती है, कई अन्य दलों के लोग आज मोदी जी की सभा के मंच पर भाजपा ही होने वाले हैं। यहाँ आप सुबह सुबह का नजारा देख रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री की बाड़मेर दौरे पर लगभग ये जो है दौरा थोड़ी देर बाद यहाँ होने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा वापसी करती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई भाजपा के पास चेहरा नहीं है। मोदी जी की आज सभा के बाद भाजपा धरातल पर काम करते हुए नजर आएगी, लेकिन नजरें देश के मीडिया की टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ निर्दलीय विधायक शिव के रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं इस चुनाव को त्रिकोण देने के लिए भाटी के समर्थक भी भारी संख्या में यहाँ है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भाजपा कांग्रेस के अलावा निर्दलीय ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी के साथ युवाओं की जो भीड़ उमड़ रही है वहां भी मीडिया की नजरें हैं। साथ ही दोनों दल जो है भाटी का जो है तोड़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं जो मुकाबला है धीरे धीरे भाजपा वापसी कर रही है। कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन धरातल पर भाजपा भी कमजोर नहीं है। अब जो है उनका मूल वोट बैंक उनको साधने में भाजपा सफल हुई है। नरेंद्र मोदी के आज के दौरे के बाद भाजपा पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आ जाएगी। नेता यहाँ जमे हुए हैं बॉर्डर इलाके में और बड़ी मजबूती के साथ कैलाश चौधरी चुनावों में वापसी कर रहे हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।